जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, और हम जब तक भूखा रहेंगे आंदोलन मेरा जारी रहेगा। जिस दिन मेरा डीलर अगर ठान लेगा कि सत्ता परिवर्तन कर देना है, उस दिन सत्ता परिवर्तन कर देगा। हमारी मांग नहीं मिला तो हम 24 महीने उखाड़ के फेंक देंगे। ये हमारे पास ताकत है। मोदी जी के भाई हमारे मंच पर हमारे साथ हैं। आप इसका मतलब कि नहीं देखे, प्रहलाद मोदी हमारे साथ हैं और हमारे आंदोलन में साथ हैं। यदि हमारी मांग नहीं मानेंगे तो पूरे भारत में दुकान सील कर देंगे। सरकार विवश होकर के हमारी मांग मानेगी नहीं, क्या मानेगी? जबरदस्ती कोई हमसे काम नहीं करा सकता। मैं सरकार का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। हम लोग वैसे भी सरकार के साथ आर पार के लड़ाई के मूड में हैं, लेकिन हम लोग यही एक वक्त इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बात को सुन लो। कहीं ये घमंड जिसमें आ गया कि जनता हमारा आँख मूंद कर, जिस दिन व्यक्ति को या सरकार को घमंड आ गया उस दिन सरकार गई। पहले सड़कें थी, लेकिन इस तरह का सड़कें नहीं थी, यह सच्चाई है। किस तरह की सड़कें जो आज की स्थिति में है, हाईवे हमारे बन रहे हैं, वो तो अपवाद होता है। लेकिन जब तक एक बात कहावत है, एक नारा है और बहुत शानदार बात है कि जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, और हम जब तक भूखा रहेंगे आंदोलन मेरा जारी रहेगा, और सरकार को मानना पड़ेगा। यह बात कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का, कोई भूखा पड़ेगा, फर्क पड़ेगा मोदी जी पर। आप हमारे साथी जो भी बोल रहे थे, आप उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया। राशन डीलर नहीं होता है, एक लीडर भी होता है, और एक डीलर सांसद विधायक बनाने में हम योगदान करता है। और जिस दिन मेरा डीलर अगर ठान लेगा कि सत्ता परिवर्तन कर देना है, उस दिन सत्ता परिवर्तन कर देगा, ठान लेगा। हाँ, ठान लेगा 2024 में। यदि इस तरह से हमारी मांग नहीं मिला तो हम 24 महीने उखाड़ के फेंक देंगे। ये हमारे पास ताकत है। 50 साल रहेंगे। हाँ, जी मोदी सरकार को हमारा एक एक डीलर मेरा लीडर है, यह बात को आप मानना पड़ेगा। आपके नेता तो मोदी जी के कसीदे पढ़ रहे हैं। मोदी जी के कसीदे नहीं पढ़ रहे हैं, मोदी जी के भाई हमारे मंच पर हमारे साथ हैं। आप इसका मतलब कि नहीं देखे, प्रहलाद मोदी हमारे साथ हैं और हमारे आंदोलन में साथ हैं। जनता कैसे विश्वास करेगी, भाई भी इधर और एक भाई उधर, होता है जो उचित लग रहा है उनको हमारे साथ है। वो कहे पहले कि पहले मैं प्रहलाद मोदी एक विक्रेता है और विक्रेता के नाते हमारे साथ है और हमारी समस्या को समझ रहे हैं। तो प्रहलाद मोदी मानते गलत हो रहा है विक्रेता के साथ? बिल्कुल। तो वो तो एक फोन करके अपने भाई को भी कह सकते थे बात? नहीं, आंदोलन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, हमारे साथियों के साथ वो आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर के साथ है। चाहते हैं या आंदोलन चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा उचित मजदूरी मिल जाए। सोल्यूशन चाहते हैं? हाँ, सोल्यूशन चाहते हैं। फोन कॉल पर सोल्यूशन हो सकता था देश भर के लोग? यदि हम आंदोलन तब मांगते हैं। ड्रामा है, नौटंकी है? गलत बात, ड्रामा नौटंकी नहीं है। मेरा अधिकार है आंदोलन करना, और आंदोलन लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमारा यही हथियार है। हमारा सबसे बड़ा हथियार है लोकतंत्र का, जिसके माध्यम से हम आए हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, अभी मैं बात कर रहा था, ज्यादातर जो आपके कार्यकर्ता आए हैं लोग, वो ज्यादातर मोदी जी को कह रहे बहुत बढ़िया कर दिया, उन्होंने 80 करोड़ लोगों को वो दिया फ्री में खाना। खाना तो दिया, लेकिन जो खाना बांट रहा है, जो खाना बांट रहा है उसको तो नहीं मिल रहा है खाना। मेरे लिए तो कुछ नहीं हुआ ना। आप ठीक है, राशन कोरोना में मेरा डीलर चलेगा। राशन की व्यवस्था आपने बनाई, अच्छी बात है, गरीबों को राशन मिल रहा है, ठीक है। आपने कोरोना काल में भी हमारे डीलर को राशन वितरण करने के लिए कहा। कोरोना काल में हम लोग अपने जान के बाजी लगा करके राशन वितरण किया। कोरोना काल में हमारे साथी वितरण के दरमियान मौत के मुंह में चले गए, काल के काल में चले गए। उनके लिए आपने अलग से कोई व्यवस्था नहीं किया। जो अन्य कर्मचारियों के लिए आपने व्यवस्था बनाया और हमारे लोगों के लिए नहीं बनाया, तो यहाँ पर यह नीति जो है गलत है। फिर यदि आप जिनको राशन दे रहे हैं, जिनको पेट हम भर रहे हैं और अपना पेट हम भूखे रख रहे हैं, हमारे अपने पेट भरने के लिए उचित मजदूरी नहीं मिल रहा है। हम लोग को उचित मजदूरी यदि मिल जाए तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो ये सर गर्व की बात है या शर्म की बात है कि 80 करोड़ लोग आज भी भूखे हैं? भूखे नहीं है,
भूखे नहीं है। सरकार ने आंकड़ा दिया है संसद में, भूखे नहीं है। नहीं नहीं, करोड़ लोगों को फ्री में पढ़ने। नहीं नहीं, सरकार के पास, सरकार के पास मनोज जी, इनका इनका सवाल दूसरा है। एक मिनट बाबू भाई, एक मिनट, इनका सवाल दूसरा है, मैं आपके सवाल को जवाब देता हूँ। सरकार के पास सरप्लस अनाज है और यह अनाज भंडारण में खराब हो रहा है, वो गरीबों में बंटवा दिया जा रहा है फ्री में। तो गरीब को रोजगार चाहिए या राशन चाहिए? दोनों चाहिए, रोजगार पहले चाहिए। अगर रोजगार मिल जाएगा तो उसका राशन का व्यवस्था खुद हो जाएगा। कौन देगा रोजगार? भारत सरकार देगी। भारत सरकार देगी और कौन देगा? सरकार के पास तो नहीं है रोजगार, निजीकरण कर रहे हैं वो तो देखिए। निजीकरण कर रहे हैं तो इसका विरोध हो रहा है देश में। आप कर रहे हो विरोध? हाँ, हम भी विरोध कर रहे हैं, हम भी विरोध कर रहे हैं। हमारा मांग है कि विरोध कैसा है देश में? विरोध होता है लेकिन जीत मोदी जी जाते हैं। बिल्कुल सर। अब स्थिति ये है कि मोदी जो जीत जाते हैं वह विपक्ष के बिखराव के कारण जीत जाते हैं। ये विरोध है आपका? नहीं नहीं, विपक्ष के बिखराव के कारण मोदी जी जीत जाते हैं। जंतर मंतर से बाहर जाते मोदी जी की जय हो करते हो? ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। कर रहे हैं कुछ लोग आपके? हो सकता है, अलग अलग सोच है, अलग अलग लोग विचारधारा है, अलग अलग अपना मानसिकता है, लेकिन हमारी जो मांग है वह सीधा सीधी यही है कि हम भी एक गरीब हैं, हम भी मेहनत करते हैं। मोदी जी से गरीब थोड़ा ही है आप, तो फकीर आदमी है। चलिए, हमारी बात को सरकार तक आप लोग पहुंचाइएगा, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद है और उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, निश्चित रूप से सुनेगी, हमें पूरा एकदम सुनेगी, निश्चित रूप से सुनेगी। सरकार नहीं सुनेगी, एक साल लग गया था किसानों को जब दिल्ली बंद कर दी थी, जो है सरकार सुने, चार आदमी लागे थे सरकार, सरकार सुने और किसान बिल वापस हुआ। हम लोग भी नहीं मानने वाले हैं, इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन होगा, चरणबद्ध आंदोलन होगा, हम लोग हड़ताल करेंगे, दुकान बंद करेंगे, सरकार व्यवस्था बनाएगी, डील कर देंगे। जी जी, दुकान सील कर देंगे पूरे भारत। हाँ, पूरे भारत में, यदि हमारी मांग नहीं मानेंगे तो पूरे भारत में दुकान सील कर देंगे। सरकार विवश होकर के हमारी मांग मानेगी? नहीं क्या मानेगी? मानेगी। सरकार में लगता आसान है भारत बंद करना? नहीं नहीं, हम लोग अपने दुकान, हम अपनी दुकान बंद करेंगे। हाँ, अपनी दुकान बंद करेंगे, चला देते हैं अपनी दुकान बंद करेंगे, बुलडोजर चला देंगे योगी मोदी। कहाँ से बुलडोजर चला देंगे? सवाल नहीं है, कोई काम हमको मजदूर जबरदस्ती कोई हमसे काम नहीं करा सकता है। मैं सरकार का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। आज हमको पेट भरेगा तब हम ये व्यवस्था में चलेंगे, नहीं हमारी पेट भरी गए तो हम जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। ये जबरदस्ती का बिजनेस नहीं है। हमारा सरकार से एग्रीमेंट है कमीशन का, हमारा वैसा सम्मानजनक कमीशन हो। अगर हम काम नहीं करना चाहेंगे, हम हड़ताल कर देंगे, तो सरकार हमसे जबरदस्ती नहीं करा सकती है। तो कोई हम अपराध नहीं, दूसरे डीलर लेके आएगी, दूसरे डीलर भी लाएंगे तो वही मेरी ही कंडीशन में जाएंगे। जब तक सरकार अपनी व्यवस्था नहीं बदलेगी, दूसरे लाएंगे, तीसरे लाएंगे, वही कहानी होगी। लेकिन सरकार का कुछ कर नहीं पा रहे आप? सरकार का होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, सरकार का होता है। पहले की सरकार गई, मोदी जी की सरकार है, एक गारंटी आप नहीं कर सकते हैं कि ये आगे रहेगी कि नहीं रहेगी, ये हम भी गारंटी नहीं कर सकते हैं। जनता के हाथ में ताकत होती है, जनता के, जनता मोदी जी को ऐसे चाहती है कि इस टाइम मोदी जी पूरे भारतवासियों के लिए मसीहा बने हुए हैं। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि देश में मोदी जी मसीहा किस कारण से बने हुए हैं, आपको ही पता है। एक नहीं, पता। नहीं, आपको ही पता है कि एक ऐसी मुद्दा है, आप बताइए, एक ऐसी मुद्दा है देश के अंदर में, वो मुद्दा के चलते आदमी पहले वो मुद्दा को देखता है, सारा भूल जाता है। क्या है वो मुद्दा? अभी वो मुद्दा आप बोल नहीं पा रहे खुल के, तो क्या मोदी जी से क्या लड़ेंगे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर पहले जहाँ अगर रोटी का सवाल आ जाएगा, किसी को रोटी का सवाल आ जाएगा, सारा मुद्दा पहले हो जाएगा। आज हम लोग मांग कर रहे हैं, अभी हम लोग सरकार से शांतिपूर्वक वार्ता करना चाहते हैं। हम लोग वैसे भी सरकार के साथ आर पार के लड़ाई के मूड में हैं, लेकिन हम लोग यही एक वक्त इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बात को सुन लो, सुन लो। एक वक्त हम लोग दे रहे हैं सरकार को, एक टाइम दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग पहले की भी सरकार गई, बिहार की सरकार लालू जी के गई,
और जब जनता की बात, जनता की समस्या को निराकरण नहीं होगी तो कोई भी सरकार गारंटी नहीं कर सकता कि हम आगे रहें। आज आप ही मीडिया का आप देख रहे हैं जी की सरकार कहीं नहीं जाने वाली, लिख के ले लीजिए, क्योंकि जनता उनके साथ है और बड़े बड़े जो टाइकून से अंबानी अडानी बड़े बड़े बिजनेसमैन, जनता क्या कांग्रेस के साथ नहीं थी क्या? जनता कांग्रेस के साथ नहीं थी क्या? जनता लालू यादव के साथ नहीं थी क्या? जनता सीपीएम की सरकार के साथ नहीं थी क्या? कहीं ये घमंड जिसमें आ गया कि जनता हमारा आंख में उनके, जिस दिन व्यक्ति को या सरकार को घमंड आ गया उस दिन सरकार गई। इसलिए घमंड नहीं कोई सरकार कर सकती है। हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस में भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जिस दिन ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जनता ताज पहनाती भी है और जनता ताज उतारती भी है। ये लोकतंत्र की भारत में ये अनोखा खेल है जो आप लोग भी देखा और हम लोग देखे हुए हैं कि कांग्रेस अभी गई ना सरकार पंजाब में कांग्रेस की, तो जनता महान है। जनता एक वक्त की इंतजार करती है, एक समय देती है। जिस समय जनता की मन घूम गई, जिस समय जनता ने समझ गया कि मेरे साथ ये छलावा कर रहा है, जब तक जनता विश्वास करेगी कि अब इतना ठीक है, इतना ठीक है, सर से पानी ऊपर हुआ गई।